हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये साइप्रस वाइन है गणेश वेल, और वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है इस प्लांट को। इसमें जो सीड्स सीड पोड बन जाते हैं उनसे सीड निकलते हैं, किसी में दो निकलते हैं, किसी में चार, किसी में तीन ऐसे निकलते हैं, और ये पहले ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आज उन्हीं की कलेक्शन करना, मैं बताऊँगी कि कैसे कलेक्शन करोगे। और इसी के साथ ही सदाबहार का प्लांट है, उसमें भी सीड पोड बनने शुरू हो गए हैं। ये सीड्स इकट्ठे करने के बाद या इसी गमले में डालने के बाद, मैं इसके जो सारे सीड पोड हैं उनको निकाल लूँगी, और जो हरे हैं उनको भी निकाल लूँगी, ताकि जो प्लांट है और अच्छे से ग्रोथ कर जाए। ये देखिए जो ब्राउन हो चुके हैं, इसमें थोड़ा ना पानी की कम क्वांटिटी थी, तो इसके जो पत्ते हैं वो पीला होना शुरू हो गए। तो ये आपने नहीं करना है, इसको थोड़ा मॉइस्ट रखना है प्लांट को, ताकि ये हरा भरा दिखे। तो इसमें देखो अभी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारे सीड पॉट बन गए हैं, तो प्लांट को लगता है कि मेरी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, तो वो और कलियाँ नहीं खिलाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब कोई भी सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है उसको तुरंत हमें हटा देना है, और हटाकर भी आप सुखाकर उसको सीड उसमें से निकाल सकते हैं। ये नहीं कि प्लांट के ऊपर लगे लगे ही आप सीड पॉड में से सीड निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा, फिर से शायद हमें एक दो ब्लूमिंग और मिल जाए, तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। तो ये देखिए, ये जो पत्ते पीले हो जाते हैं ना, ये पानी की कमी से हो जाते हैं। कभी भी हमें अंडर वाटरिंग नहीं करनी है प्लांट में, तो क्योंकि ये जो पीले पत्ते हो जाते हैं ना, एक तो ये वैसे ही सेंसिटिव से इसके लीफ होते हैं, ऊपर से ये पीले हो जाते हैं, तो पत्ते दिखते ही नहीं हैं कि कहाँ गए, पत्ते हैं कि नहीं है, स्टेम स्टेम ही दिखती है। ये छोटा सा बीज होता है, इसमें दो सीड्स निकलते हैं, किसी किसी में चार भी निकलते हैं, थोड़े मोटे साइज के होते हैं। ये देखिए, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, जो हमें कीर्तन वगैरह में प्रसाद मिलता है जिन पाउच में, एयर टाइट जो पाउच होते हैं उनमें आप स्टोर करके इसको नेक्स्ट सीजन के लिए भी रख सकते हैं फ्रीजर में। लेकिन आप इसको इसी मिट्टी में अगर लगा दोगे, बीज को इसी मिट्टी में छोड़ दोगे गमले में, तो आपको इस गमले में कभी भी प्लांट ऐसा नहीं होगा कि आपको ख़त्म हो जाएगा, इसमें से और प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको। और ये सदाबहार का है, इसके तो सीड पोड अपने आप फटकर सारे सीड नीचे गिर चुके हैं, और ये देखिए जो ब्राउन हो चुके हैं ना, वो ग्रीन वाले लगे हुए हैं अभी, और ब्राउन हैं वो फट के अपने आप ही ब्रस्ट हो जाते हैं, और उसको जो सारे सीड्स हैं नीचे गिरा देते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको नीचे गिरे हुए जो सीड्स हैं, तो ये भी अपने आप ही प्लांट उग जाते हैं जिस उसी गमले में। अगर ये सीड्स नीचे गिर जाते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको एक प्लांट उगा भी हुआ है सदाबहार का। ये देखिए जो छोटे छोटे बीज हैं, ये इससे थोड़े छोटे साइज में हैं गणेश वेल के बीज से, और ये सारा नीचे गिरा हुआ है। अगर ये क्यारी होती यहाँ पर, तो दुनिया भर के सदाबहार उग जाते अपने आप से, और इसीलिए ये सदाबहार अपने आप ही उगते हैं, किसी भी बर्ड या हवा से ये फैल जाते हैं, बीज उड़ के गिर जाते हैं, और आपके या खाद में या मिट्टी में उड़ के गिरे होते हैं, जो आपके गमले में आकर अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा जो प्लांट है, ये अपने आप बीज गिर के उगा हुआ है। इसमें एक ही प्लांट था सदाबहार का, बहुत बड़ा। अभी सदाबहार वाले बड़े वाले प्लांट को मैं काट दूँगी जड़ से, क्योंकि हमारा एक इसमें से तैयार हो रहा है अपने आप ही प्लांट। तो और स्टोर करने का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि इसके सीड्स एयर टाइट पाउच में डालकर नेमिंग करके आप फ्रीजर में रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीड्स ग्रो करें तो उसको ग्रो कर लें, अदरवाइज इसी में ही डाल देंगे गमले में, तो इसी में ही आपके प्लांट उगते जाएंगे वन बाय वन पूरा साल। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये सीड्स कलेक्शन की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ